हेलो प्यारे बच्चों नमस्कार सभी को स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं तो लास्ट लेक्चर जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर वन था जिसके अंदर मैंने अपना पूरा का पूरा रिलेशन आपका ख़त्म कर दिया था कार्टिजन प्रोडक्ट क्या होती है रिलेशन क्या होता है कैसे बनाया जाता है उसकी डोमेन क्या होती है उसकी रेंज क्या होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो जाकर देख लो आज उसके आगे की पढ़ाई स्टार्ट होगी अगर आपको रिलेशन आता होगा तो फंक्शन बेटर समझ में आएगा वरना समझ तो फिर भी आ जाएगा लेकिन कम समझ में आएगा और ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है रिलेशन एंड फंक्शन इक्वली वेटेज रख रहा है एग्ज़ाम के अंदर तो रिलेशन समझना ज़रूरी है ठीक है ना तो आप अगर लेक्चर वन मिस कर चुके हो तो जाकर देख लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर कह रहा हूँ लिंक है और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना फंक्शन तो वट इज़ फंक्शन की अगर बात की जाए कि एक फंक्शन क्या होता है तो हम रिलेशन से ही शुरू करते हैं अभी तक आप लोगों ने देखा कि किसका किससे और क्या एक रिश्ता था अब आपने एक रिश्ते की सेट बिल्डर से रोस्टर बनाना सीख लिया डोमेन रेंज लिखना सीख लिया अब मैं एक बात कहता हूं एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन सारे के सारे जो फंक्शन है ना वो एक रिश्ता जरूर होगा तो ऐसे कौन से रिलेशन है जो फंक्शन नहीं बन सकते तो मतलब

आप पिछले लेक्चर के अंदर जाके देखना हमने बहुत सारे रिलेशन बनाए थे कईयों की डोमेन रिपीट हो रही थी कहीं की डोमेन रिपीट नहीं हो रही थी जिनकी डोमेन रिपीट नहीं हो रही वो फंक्शन होगा ठीक है ना मतलब कहने पर देखो यहां पर ना अब मैं आपको बताता हूं फंक्शन एक्चुअल में फंक्शन जो है मेरे हिसाब से ये तो चलो रिलेशन का आपको मैंने एक पॉइंट लिख दिया वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फंक्शन मेरे हिसाब से इट इज मशीन 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 a machine. A machine क्या है मशीन क्या है वो मत बोलना, three idiots, उपर नीचे, उपर नीचे, ना तो थ्री इडियट्स वाली बात तो ठीक हैिज्म है? पर काम करती है इनपुट और आउटपुट मैके पर हम इनपुट को डोमेन कहते हैं जो हम डालते हैं एक्स की जगह और आउटपुट इज रेंज कह रहे हैं एक इनपुट पर दो अलग अलग आउटपुट नहीं आने चाहिए मतलब ऐसा ना हो कि आपने एक इनपुट डाला और दो अलग अलग आउटपुट आ जाए अगर ऐसा है तो इट इज रिलेशन बट नॉट फंक्शन बट नॉट फंक्शन ठीक है जी लेकिन अगर ऐसा है दो अलग अलग आउटपुट आपने डाले दो अलग अलग इनपुट आपने डाले और एक ही आउटपुट आपको मिला तो यस इट इज अ फंक्शन अब वो फंक्शन है तो वो रिलेशन तो जरूर होगा बात समझ में आ गई तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक फिगर है जिसको मैं हमेशा बच्चों को बना के देता हूं उनको बड़ा फायदा मिलता है एक इनपुट पर दो अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं तो समझ लेना वो रिश्ता तो है फंक्शन नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बचपन से लेकर आज तक बहुत सारे फंक्शन देखे हैं जैसे आपने ये फंक्शन देखा होगा लीनियर फंक्शन ठीक है ना अगर मैं यहां पर वन डालता हूं तो आई विल गेट एट तो आज जैसे सैटरडे है तो सैटरडे को अगर मैं वन डालता हूँ तो आई विल गेट एट क्या संडे को अगर वन डालूंगा तो कुछ और आंसर मिलेगा आंसर इज नो no? या कोई और व्यक्ति वन डालेगा तो कुछ और आंसर मिलेगा आंसर इज नो तो दैट मीनस ये एक फंक्शन है ये रिश्ता तो है ही है y और x में यही रिश्ता है ये रिश्ता तो है लेकिन ये फंक्शन भी है ठीक है ना अगर फंक्शन नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है एक ही चीज पुट करने पर अलग अलग आंसर आ रहे होते जो कि हमने पिछले क्लास में देख भी लिया ठीक है ना तो यहाँ पर एक इनपुट पर अलग अलग आउटपुट तो वो रिश्ता है फंक्शन नहीं है अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट आ रहा है तो वो है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एक्स स्क्र की तो इफ यू पुट वन वी विल गेट वन इफ इन पुट माइनस वन वी ऑल्सो गेट वन तो दो अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट आ रहा है तो भी वो फंक्शन है। डोमेन रिपीट नहीं करना चाहिए। पॉइंट इज कि आपका डोमेन रिपीट नहीं करना चाहिए बात समझ में आ गई तो जहां पर भी आप देखोगे वो फंक्शन हो जाएगा सरल सी भाषा है ठीक है ना अब देखते हैं क्वेश्चन और देखेंगे आज के आ, में पहले तो हम फंक्शंस के बेसिक क्वेश्चन देखते हैं फंक्शन है नहीं है फंक्शन की डोमेन रेंज वो सब देखेंगे प्लस फिर उसके बाद जाएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन अभी इसका एक लेक्चर और बाकी है जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ फंक्शन कंप्लीट करेंगे और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेक्चर थ्री में आएगा जहाँ पर आपको बताना होगा कि इस फंक्शन की डोमेन क्या हो रेंज क्या आज सारा बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपका फंक्शन का कंप्लीट कर लूँगा फंक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलेशन ये बात ध्यान रखना लेकिन वेटेज दोनों की एग्जाम में मेरे हिसाब से बराबर ही रहती है विच ऑफ दी फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन एंड रेंज तो पहला बताओ क्या ये फंक्शन है देखो क्या इसकी डोमेन रिपीट कर रही है फंक्शन no. तो yes, अगर ये फंक्शन है तो फर्स्ट पार्ट की आपको क्या बताना है डोमेन और रेंज तो फर्स्ट पार्ट की डोमेन बताओ भैया क्या होगी पिछले लेक्चर में बताया था डोमेन होता है आगे वाला यानी टू फाइव एट इलेवन फोर्टीन और सेवनटीन और जो इसकी रेंज होगी यानी वो पीछे वाला दैट इज वन एक ही उत्तर आ रहा है ठीक है बेटा ये आ गया सेकंड अब फिर बोलूंगा फंक्शन को और बढ़िया समझना है तो डोमेन को क्या मानोगे जो हमें डालना है एक्स की जगह और रेंज जो हमें मिलेगा यानी हमने उस फंक्शन के अंदर टू डाला होगा और हमें वन मिला होगा यानी एक्स की वैल्यू और ये एफ एक्स यानी वाई की वैल्यू ये बात भी ध्यान रखना एफ और वाई में कोई फर्क नहीं होता क्या ये फंक्शन है फोर टू सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन येस इट इज अ फंक्शन येस इट इज अ फंक्शन बिकॉज इट्स डोमेन डजेंट रिपीट तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी बेटा अभी बताई टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व और फोर्टीन और इसकी रेंज क्या हो जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और क्या ये फंक्शन है नो no. ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसकी डोमेन रिपीट कर गई है ठीक है ना क्योंकि वन पुट करने पर भी हमारा वन पुट करने पर भी एफ वन पर भी क्या आया होगा थ्री आया होगा और एफ वन पर फाइव आया होगा तो देखो डोमेन रिपीट कर रही है तो यानी सेम इनपुट पर दो अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं तो ये फंक्शन नहीं है क्वेश्चन लेकिन बेस बनाने के लिए इंपॉर्टेंट फिर इस प्रकार के क्वेश्चन आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में बहुत पढ़े हैं एक फंक्शन दिया हुआ है मान लो पॉलिनोमियल दिया हुआ था याद करो आपको उनकी वैल्यूज निकालनी है ठीक है ना एक बेसिक क्वेश्चन ले आया हूँ फर्ज था मेरा लेकर आना क्योंकि एन कवर अप करनी है हमको तो एफ जीरो क्या हो जाएगा जस्ट यू हैव टू पुट जीरो इन प्लेस ऑफ एक्स ये तो हर एक बच्चे को आना चाहिए फिर आपको सेवन निकालना है तो टू इन टू सेवन माइनस फाइव आ गया नाइन फिर आपको माइनस थ्री निकालना है टू इंटू माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस फाइव यानी कितना क्वेश्चन है यार ये तो सबको आता होगा ऐसा एक आधा क्वेश्चन आपको और मिल जाएगा टू पॉइंट थ्री में अब कुछ और क्वेश्चन देख लो फंक्शन से रिलेटेड जो कि अच्छे भी हैं और बेसिक भी हैं एफ एक्स इजिक्वल्स टू एक्सक्वेर दिया हुआ है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर की Uh, बौछार कर सकते हो बौछार ठीक है ना तो चेक करो क्या आंसर आएगा एफ वन पॉइंट वन मीन्स वन पॉइंट वन का स्क्वायर एफ वन मीन्स वन का स्क्वायर डिवाइड बाय वन पॉइंट वन माइनस वन इसके आगे तो एफ नहीं लिखा ना तो डायरेक्ट ही होगा ये आगे वन पॉइंट टू वन माइनस वन पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू वन अपॉन में पॉइंट वन कट जाएगा आंसर इज टू पॉइंट वन ठीक है इतना सिंपल है यार ये सारे एनसीआर के हैं अब देखो दिस इज अंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये और मार्क्स में बहुत ज्यादा आता है कह रहे एक फंक्शन दिया हुआ आपको अब देखो पहले इसके आगे आर लिखा होता था आर फ्रॉम ए टू बी लेकिन अगर डोमेन रिपीट नहीं करेगा तो फंक्शन ही बन जाएगा फंक्शन फ्रॉम ए टू बी ठीक है ना तो ये फंक्शन दिया हुआ देखो एफ गौर की बात है वन वन टू थ्री जीरो माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री यानी ऑब्वियस ही बात है मैंने बताया ये एक्स होता है और ये एफ एक्स होता है बी अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड इंटीजर टू इंटीजर था यानी जेड टू जेड हो गया और फंक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है ए एक्स प्लस बी दे रखा है क्या दे रखा है ए एक्स प्लस बी इट्स अ काइंड ऑफ लीनियर फंक्शन ये कौन सा फंक्शन होता है लीनियर फंक्शन है फॉर सम इंटीजर ए एंड बी आपको ए और बी निकालना है तो देखो अगर हमारा फंक्शन ये है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है और x की वैल्यू वन है और एफ एक्स की वैल्यू भी वन है तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी x भी वन है और एफ एक्स भी वन है अब अगला है, Fx है 3, Fx है 3, x टू है एफ एक्स कितना है थ्री एफ एक्स है थ्री एक्स कितना है बेटा टू प्लस बी आया

ए की वैल्यू टू यहाँ डाल दो माइनस वन बी की वैल्यू क्या आ गई भैया गॉट इट क्लियर है ना भैया ओके okay? तो बेसिक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है अच्छा कभी कभी ना यहाँ पर फंक्शन फ्रॉम ब्लेट टू डेट डिफाइंड बाय लीनियर फंक्शन लिख देगा तो लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी ठीक है ना कभी कभी वो सीधा बोल देगा लीनियर फंक्शन तो लीनियर की डेफिनेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है इसको याद रखना एक क्वेश्चन या एक एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में ऐसा दिख जाएगा गॉट इट चलें आगे फिर ये क्वेश्चन है आपको बताना है ए दे रखा है बी दे रखा है और एक एफ दे रखा है लिख तो दिया है अरे एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या ये रिलेशन है देखो रिलेशन होने के लिए किसका और किससे होना बहुत जरूरी है यहाँ पे वन का रिश्ता फाइव के साथ है वन का रिश्ता फाइव टू का रिश्ता नाइन के साथ है टू का रिश्ता ओहो आगे चला गया नाइन के साथ है थ्री का रिश्ता वन के साथ है तीन का रिश्ता एक के साथ है फोर का रिश्ता फाइव के साथ है फोर का रिश्ता फाइव के साथ है और टू का रिश्ता इलेवन के साथ है टू का रिश्ता इलेवन के साथ है तो यस तो मतलब इससे बाहर कोई नंबर नहीं है ए टू बी चल रहा है तो यस ये एक रिलेशन है बट क्या ये फंक्शन है आंसर इज नो चेक करो आपने यहाँ देखा टू पर नाइन भी आ रहा है और टू पर इलेवन भी आ रहा है तो एफ टू पे नाइन भी आया था और एफ टू पर इलेवन भी आया था तो आंसर इज नो ये हमारा फंक्शन नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन है सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन है क्लियर चले आगे बेसिक क्वेश्चन चलो जी फिर ये लास्ट क्वेश्चन है शायद बाकी देख लेते हैं एक आधा और भी होगा ए दे रखा है, मतलब है, अभी अभी तो है इंपॉर्टेंट टॉपिक तो शुरू होगा अभी, लेकिन एन एन यानी नेचुरल नंबर ऑफ एन तो आपको एफ बनाना है हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन नाइन का हाइएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा होता है हाइएस्ट तीन टेन का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर देखो टू भी होता है फाइव भी होता है हाईएस्ट मतलब पांच हो गया इलेवन का खुद इलेवन होगा ट्वेल्व का थ्री होगा और थर्टीन का खुद थर्टीन होगा बन गया फंक्शन अब आपको इसकी रेंज बतानी है तो रेंज तो आप बता ही दोगे या या तीन पाँच ग्यारह और तेरह ठीक है ना एक एलिमेंट एक बारी होता है इसलिए तीन को मैंने एक ही बारी लिखा ठीक है जी चले आगे फिर आता है एक छोटा सा टॉपिक विच इज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट इस साल नहीं है अगले साल बहुत इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ में कॉम्पोजिशन देखो कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है जैसे अगर आपने देखा होगा ना म्यूजिक के अंदर कॉम्पोजिशन होती है एक्चुअल में सुर सात ही है उन सात सुरों को अलग अलग तरीके से अरेंज कर दोगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा दोगे तो आपके धुन तैयार हो जाती है कॉम्पोजिशन तैयार हो जाती है ऐसे यहां पर फंक्शन ये दो ही हैं मान लेते हैं यहाँ पे जो दिए हुए हैं एफ एक्स और एक जी एक्स इसको कंपोज करके डिफरेंट फंक्शन बनाने हैं आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो एफ प्लस जी से डिनोटेड हो तो देखो तो आपको बनाना है जैसे पहला पार्ट है एफ प्लस जी तो यानी एफ प्लस जी ऑफ एक्स निकालना है क्योंकि फंक्शन एक्स की फॉर्म में है तो यानी आपको करना है एफ एक्स प्लस जी एक्स कुछ भी नहीं है प्लस बोलेगा प्लस कर दो माइनस बोलेगा माइनस कर दो डिवाइड बोलेगा डिवाइड मल्टीप्लाई बोलेगा मल्टीप्लाई एफ एक्स की पावर जी एक्स भी आ सकती है एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स कुछ भी बोल सकता है वो तो जो बोलेगा वो कर देना ठीक है जी तो अभी इस साल सिर्फ यही रहते हैं और कुछ नहीं पूछता वो अब जैसे यह यहाँ पर आया एक्स प्लस वन और टू एक्स माइनस थ्री तो ये आया थ्री एक्स माइनस टू अब समझो इतना आसान तो खैर ऑब्वियसली बात है इतना ही आसान टॉपिक है लेकिन छोटी सी बात यह है हर एक फंक्शन की एक डोमेन और एक रेंज होती है तो इसकी डोमेन रेंज अलग है इसकी डोमेन रेंज अलग है और जो नया फंक्शन बनेगा उसकी डोमेन रेंज अलग आएगी यह ध्यान रखना दो फंक्शन को आप कंपोज करो तो इसकी डोमेन रेंज अलग है इसकी डोमेन रेंज अलग है डोमेन मतलब इनपुट रेंज मतलब आउटपुट इसकी डोमेन रेंज अलग है अभी देखो आप पूरे चैप्टर में सीखोगे हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज हाउ टू थिंक अबाउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन अभी आप नहीं सोच पा रहे हो क्योंकि मैंने नहीं सिखाई जिस जिन बच्चों ने सीख ली होगी तो उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि आप डोमेन रेंज बताओ मुद्दा ये है कि इसकी डोमेन रेंज अलग है इसकी डोमेन रेंज अलग है तो इसकी भी अलग आएगी ठीक है ना अब डोमेन रेंज सीखने के लिए हमें लेक्चर थ्री पढ़ना पड़ेगा वो भी हम पढ़ाएंगे एक्चुअली मेन फ्लेक्स वही है वही पढ़ना है आपको यह आया बेटा तो क्या आया हमारा एफ एक्स माइनस जी एक्स यह आया एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री तो माइनस एक्स प्लस फोर आ गया फिर क्या रहा है एफ बाई जी तो यानी ऑफ आ गया बोले तो एफ एक्सपाल अगर एक्स थ्री बाई टू हो गया तो ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा नीचे जीरो नहीं आना चाहिए ना तो यू हैव टू राइट दिस कंडीशन यहां पर ऐसी कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है क्लियर है बेटा छोटी तो छोटी बातों की मैं बात कर रहा था यही नंबर करते हैं बस आगे चलते हैं जी कॉम्पोजिशन हो गया नाउ अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन देखो समझो एक्चुअल में ये टाइप नहीं है मैं आपको बता दूं ये टाइप नहीं है हमारी बुक्स में टाइप लिखा होता है ये है एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शन बहुत प्रकार के एग्जाम्पल है टाइप्स तो आप ट्वेल्थ में सीखोगे वन वन ऑन टू बाईजेक्टिव इंजेक्टिव सरजेक्टिव ये सब आप ट्वेल्थ में सीखते हो एक्चुअल में ट्वेल्थ में टाइप्स ऑफ रिलेशन और टाइप्स ऑफ फंक्शन ही सीखने हैं इस साल आप रिलेशन के बारे में और फंक्शन के बारे में सीख रहे हो तो फंक्शन के बारे में आप यहाँ सीख रहे हो फंक्शन के टाइप नहीं सीख रहे हो अब आपके सामने बहुत सारे फंक्शन आएंगे देखो आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने तीन से लेकर चार फंक्शन कंसिडर किए हैं अगले लेक्चर के अंदर दो से लेकर तीन फंक्शन जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉड्यूलर ग्रेटर इंटीजर और एक और था सिग्नम फंक्शन ये तीन फंक्शन को डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि वो नए हैं जो आज पढ़ रहे हो सब पढ़ पढ़ चुके हो लेकिन इस नजरिए से शायद कभी नहीं पढ़ा होगा पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ये सब पढ़ने के बाद ही आप उस क्वेश्चन पे जा पाओगे जो हंड्रेड परसेंट पेपर में आएगा अगर वो आपके पेपर में नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा और बताओ ठीक है ना तो वहां तक पहुंचने के लिए सारा रास्ता बहुत जरूरी है अब आपको सोचना क्या है समझो देखो पहला फंक्शन आपके सामने जो मैं लेकर आया हूं वो है कॉन्स्टेंट फंक्शन फंक्शन? आपको करना क्या है आपको तीन चीजों पे बात करनी है चार चीजें चलो पहला है फंक्शन की डेफिनेशन अब ये नहीं होती, जो में होती है, वाली. की डेफिनेशन ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जैसे अभी लीनियर की बताई थी ना मैंने आपको बस वैसे टू सी सी कुछ भी हो सकता है पांच छूट तीन बाई टू वन बाय कुछ भी हो सकता है नहीं ठीक है ना तो कोई भी यहाँ पर होगा y इस फंक्शन को बोलते हैं हम कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन यानी डोमेन अच्छा अब जितने भी आप फंक्शन के टाइप सीख रहे हो वो सारे रियल वैल्यूड फंक्शन है क्या है यह आपको अपनी किताब में जगह जगह मिल जाएगा लिखा हुआ रियल वैल्यूड फंक्शन रियल वैल्यूड का मतलब क्या है जो आपको डोमेन सोचनी है ना देखो आज तो बहुत कम सोचोगे आप क्योंकि मैं आपको सोचने दूंगा ही नहीं अगली क्लास के अंदर आपको सोचना पड़ेगा जो आपको डोमेन सोचनी है वो रियल नंबर से सोचनी है और जो आउटपुट आएगा यानी जो रेंज आएगी वो भी रियल नंबर से ही आपको ढूंढनी है नो no इंटीजर्स देखो सभी आ गए ना रियल नंबर में तो सभी आ गया लेकिन अपना दायरा आपको रिस्ट्रिक्ट करके नहीं चलना सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं डालने सिर्फ होल इंटीजर नहीं डालने आपको खोल देना है दायरा वो दायरा आपका रियल नंबर की तरफ होना चाहिए मतलब फ्रैक्शन में भी डालूंगा पॉइंट में भी डालूंगा रैशनल uh, भी डालूंगा इरेशनल भी डालूंगा तो यहाँ पर डोमेन आप कुछ भी पुट कर सकते हो डोमेन इज वैल्यू ऑफ एक्स अब एक्स तो है ही नहीं यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू थ्री क्या यहां पर x है जो मैं पुट कर आंसर इज नो कुछ है ही नहीं तो यानी आप कुछ भी पुट कर सकते हो माइनस इंफानाइट से इन्फानाइट अब मैं बार बार बोल रहा हूं कुछ भी पुट कर सकते हो कुछ भी पुट कर सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल पीछे ही बताया था आप दुनिया ध्यान में एक्स कुछ भी पुट कर सकते हो लेकिन तीन बाय दो पुट नहीं कर सकते तीन बाय दो क्यों नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा पाप हो जाएगा अगर मैं आपके सामने एक फंक्शन लेता हूं एफ एक्स इजिक्वल्स टू अंडर रूट एक्स तो आप दुनिया जहान का कुछ भी पुट कर सकते हो लेकिन नेगेटिव नंबर पुट नहीं कर सकते तो यानी अगर कोई चीज आपका किसी मैथमेटिकल लॉ को ब्रेक कर रहा है तो वो पुट नहीं करनी आप कुछ भी पुट नहीं कर सकते देखो यहां पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर जीरो से लेकर इंफानाइट पुट कर पाओगे माइनस वन नहीं आएगा नेगेटिव नंबर नहीं, नहीं आएगा क्योंकि जैसे ही नेगेटिव हुआ तो अंडर रूट के अंदर माइनस बन जाएगा क्या बन जाएगा माइनस ठीक है ना ऐसे नीचे डिनो अब यहां पर तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं मेरे लिए क्योंकि कुछ है ही नहीं पुट करने के लिए एक्स है एक्स की बॉल तो जीरो माइनस तो इन्फाइट से infinite, यानी, और हमेशा तीन ही आएगा आंसर तो हमेशा तो रेंज हमेशा वही होगी आपकी कॉन्स्टेंट तो आपको तीन चीजें पढ़नी है एक है डेफिनेशन एक डोमेन रेंज अब इसको एक मान लो या अलग अलग मान लो और तीसरा है आपका ग्राफ ग्राफ आपका आउटलुक खोलेगा और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है अगले साल के लिए ठीक है जी अब बोलो सर हर चीज अगले साल के लिए इंपॉर्टेंट है आंसर यस इलेवेंथ क्लास की मैथामेटिक्स बेस क्लास ऑफ ट्वेल्थ हर एक चैप्टर अगले साल जा रहा है हर एक चैप्टर जा रहा है कोई ऐसा चैप्टर नहीं जो व्यर्थ हो जाए जो था उन्होंने काटी दिया

उसका डोमेन रेंज क्या है और उसका ग्राफ कैसा होगा अब जैसे अगला फंक्शन आता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी मतलब होता है जुड़वा आइडेंटिटी मतलब होता है जुड़वा यानी जो एक्स एफ एक्स यानी वाई है वही हमारा एक्स है दैट इज आप, आपके लिए जो वाई है वही क्या है एक्स है अब इसकी डोमेन क्या होगी आप कुछ भी पुट कर सकते हो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप कुछ भी पुट कर सकते हो माइनस से एक्स ऑब्वियसली बात है जो पुट करोगे वही आएगा क्योंकि जो एक्स की वैल्यू है वही क्या है वाई की वैल्यू नेगेटिव डालोगे नेगेटिव पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव अब एक्सिकल्स टू वाई का ग्राफ ऐसे तो बनता था पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन और हमेशा इसी स्टाइल का बनेगा ऐसे भी नहीं बनेगा समझ रहे हो क्योंकि नेगेटिव पर नेगेटिव मिलेगा पॉजिटिव पे पॉजिटिव तो ये शेप याद करनी है आपको हाँ जी याद करनी है क्योंकि अगले साल एक चैप्टर आएगा उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो वहां पर आपको बॉक्स बनाकर प्लॉटिंग करके कर ग्राफ नहीं बनाना एक रफ स्केच बनाना है तो आपको पता होनी चाहिए कि लीनियर फंक्शन ऐसे जाता है कांस्टेंट फंक्शन ऐसे जाता है सिग्नल फंक्शन ऐसे बनता है मॉड्युलर फंक्शन वी शेप होता है तो ये सब पता होना चाहिए और तब ग्राफ बनाओ आंसर पाओ ये कहानी है तो मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ इसलिए यू हैव टू देखो पहले एक थॉट प्रोसेस तो है ये कि ऐसा क्यों बना क्योंकि वन टू पे टू आएगा फोर पे फोर आएगा सिक्स पे सिक्स आएगा एट पे एट आएगा माइनस टू पर माइनस टू माइनस थ्री पे माइनस छे ये तो समझ में आ गया लेकिन याद भी तो करना पड़ेगा ना हर बारी थोड़ा ना ही आउटलुक बनाएंगे थर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन वैसे तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेकिन हमारी जो एन सी आर अगर आप खोल के देखोगे तो एक्सक्वायर दिया हुआ है एफ एक्स इजिक्वल्स टू एक्सक्वायर ठीक है ना ये आपने तो टेंथ में पढ़ लिया था ये पैराबोलिक शेप का होता है पैराबोला अब एग्जाम में बहुत आता है कि ग्राफ ऑफ एक्सक्वेयर बना कर दिखाओ तब ये बनाकर भी दिखाएंगे आपको कि कैसे बनता कैसे है ये और टेंथ में भी कुछ बच्चों को मैंने सिखाया था फिलहाल डोमेन की बात करते हैं यहाँ पर आप कुछ भी पुट कर सकते हो चेक करो आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है रेंज क्या होगी तीन तक गिनूंगा कमेंट सेक्शन में बता दो रेंज जो आपको मिलेगा एक दो तीन तो यस आंसर इज आपको जो भी मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि क्या है बेटा स्क्वायर है आप कुछ भी डालोगे आंसर पॉजिटिव मिलेगा पॉजिटिव पर भी पॉजिटिव मिल रहा है नेगेटिव पर भी पॉजिटिव मिल रहा है तो आंसर इज जीरो से इंफर यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स और इसकी शेप क्या होती है बेटा पैराबोलिक शेप गॉट इट अभी जैसे क्वेश्चन आया कि ये ग्राफ बनाएंगे कैसे तो ग्राफ बनाने के लिए आपको चाहिए कम से कम सात या नौ वैल्यूज एक लीनियर फंक्शन के लिए दो वैल्यूज या तीन वैल्यूज काफ़ी होती है तीन जीरो ये आ गया तो एक तो हम जीरो पुट करेंगे जीरो पे जीरो वन पे वन टू पे फोर तीन पर नाइन माइनस वन पे भी वन माइनस टू पे भी फोर माइनस तीन पर नाइन तो ऐसा क्यों लिया तीन नेगेटिव तीन पॉजिटिव सिमेट्रिक ग्राफ बनता है यू पूरा ढंग से बनाएगा ना आपने कभी ऐसा यू नहीं बनाया होगा ना ऑल दो ये भी यू ही है लेकिन हम बनाते नहीं है ना अच्छा लगता ना तो अगर हम बनाए इसको तो आप ग्राफ पे बनाओगे तो बहुत खूबसूरत बनता है या जीरो वन टू थ्री फोर फाइव अच्छा एक्स तो ज्यादा है ही नहीं वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है ना तो देखो ज़ीरो पे जीरो लेट मी चेंज द कलर कौन सा ले लूँ ठीक है यही ठीक है तो जीरो पर जीरो आ गया वन पे वन आ गया टू पे फोर आ गया और थ्री पर थ्री पर नाइन आ जाएगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तो ये आ गया नाइन जी ठीक है जी ऐसे ही यहाँ पर आ गया ऐसे ही यहाँ पर आ गया और ऐसे ही यहाँ पर आ गया तो जब आप ग्राफ पर बनाओगे ना बहुत ही प्यारा बनेगा या गया यू शेप्ड तो पॉइंट इज जो मैं आपको सिखाया यू हैव टू टेक और नाइन वैल्यूज ठीक है जी उससे बहुत छोटा बनेगा अगर पांच लोगे या पांच लेते हो इतना बनता है नौ लोगे इतना और अगर ग्यारह लेते हो तो इतना बड़ा बनेगा बहुत मजा आता है बनाने में ठीक है ना तो ये एक फंक्शन का ग्राफ जो है वो अक्सर पेपर में पूछा जाता है जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल के पेपर में तो एक क्वेश्चन हर साल आता है मतलब यू टी के अंदर तो हर साल आता है कि वट डिफाइन सिग्नम फंक्शन राइट इज डोमेन एंड रेंज एंड्रॉइड ग्राफ्ट तो ये तीन चार नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं हर बारी पीटी में यूटी मैंने देखा हर बारी देखा है तो अभी वो सिखाएंगे आपको एक क्लास में यानी ग्राफ फार इंपॉर्टेंट ये सब इंपॉर्टेंट है लास्ट फंक्शन आता है आज का बेटा क्यूबिक फंक्शन एक्स क्यूब यानी इसका जो शेप होती है वो इनवर्टेड एस होती है इनवर्टेड एस शेप इनवर्टेड एस शेप ठीक है ना अब इसका ग्राफ भी अब वैसे बनाओगे सात आठ वैल्यूज नौ वैल्यूज लेकर ग्यारह वैल्यूज लेकर और बनाना और मुझे उसकी पिक्चर इंस्टाग्राम पर डी कर सकते हो ठीक है ना ओके okay, डन तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब डोमेन कुछ भी पुट कर सकते हो बेटा एनी रियल नंबर और आंसर भी कुछ भी आएगा

बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन सिग्नम ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड्यूलस और मोर ओवर हम ये बताएंगे जो एक क्वेश्चन पेपर में हर बार ही आता है कि भैया इसकी डोमेन रेंज बताओ तो हम आपको बताएंगे भी और कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी सिखाएंगे तो ये जानने के लिए देखना पड़ेगा अगला एपिसोड मिलेंगे तब तक अगली क्लास में बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे